नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीरज ने जो हासिल किया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि टोक्यो में इतिहास रचा गया है। प्रो कबड्डी लीग की 2 साल के बाद इस सत्र में वापसी हो रही है। पीकेएल के 8वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 2021 में खेली जाने वाली प्रो कबड्डी लीग के लिए खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त 29 से 31 अगस्त के बीच की जाएगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद ओडिशा ने भारतीय हॉकी का समर्थन करने के लिए सराहना की है। जैसा कि पुरुष की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर 4 दशक के सूखे को समाप्त किया है, हालांकि महिला टीम दुर्भाग्य से पदक जीतने से चूक गई। रोजगार आधारित करीब 1 लाख ग्रीन कार्ड के 2 महीने के भीतर बर्बाद होने का खतरा है, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों में नाराजगी है, जिनका वैध स्थायी निवास का इंतजार अब दशकों तक के लिए बढ़ गया है। अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि आतंक को पनाह देने वालों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। बीसीसीआई ने तय किया है कि आईपीएल 2021 के लिए जो भी लोग यूएई जाएंगे उन्हें कोरोना की वैक्सीन लेनी होगी। वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए, तभी यूएई जाने की परमिशन दी जाएगी। यानी कि यूएई जाने वाले सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक पूरी कर लेनी होगी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो एक खतरनाक मैलवेयर आपके डिवाइस में घुसकर पूरा डेटा चोरी कर सकता है। विशेषज्ञों ने इस मैलवेयर को वल्चर नाम दिया है, जो आपके डिवाइस की स्क्रीन पर आने वाली हर जानकारी को रिकॉर्ड करता है। यानी कि आपके फोन में सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सकता है। भारत ने 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सफर में अब करीब 7 महीने बाद 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। शुरुआती दौर में कोविड-19 टीकाकरण को देश में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे आंकड़े वृद्धि होती चली गई। गोल्फर अदिति अशोक गोल्ड से चूक गई हैं, जिस पर उनके कोच तरुण सरदेसाई ने कहा है कि अदिति के खेल की शुरुआत भले अच्छी ना रही हो, लेकिन बाद में उसने अच्छा खेला। अदिति की क्षमताओं को सबने कम आंका था। किसी ने नहीं सोचा था कि अदिति चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पहले दिन से ही गरीबों के लिए थी और है। गरीब हर रूप में हमारी प्राथमिकता है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को हाल ही में उनके बंगले समेत 4 जगहों पर बम रखने की धमकी मिली थी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस मामले में जुड़े दोनों लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने कहा है कि उन्होंने नशे में कॉल घुमा दिया था। मोदी सरकार के लिए आने वाले 3 दिन बेहद ही खास होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में सरकार 3 साल का एजेंडा तैयार करने वाली है। आयोजित होने वाले मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा। ज्ञात हो सरकार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तेजस ट्रेन का परिचालन एक बार फिर से शुरू किया गया है। अभी यह ट्रेन केवल 4 दिन ही चलेगी, जो कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार होगी। हालांकि कोरोना के कारण ट्रेन को पहले पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। हिंदुओं के लिए श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। वहीं इस साल 2021 में पंचमी तारीख गुरुवार 12 अगस्त को दोपहर 3:28 से शुरू होकर अगले दिन 13 अगस्त को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। यानी कि यह पर्व 13 अगस्त को ही मनाया जाएगा। जेईई मेंस परीक्षा में 17 अभ्यर्थियों ने 100% हासिल किया है, जिसमें से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकतम 4 अभ्यर्थियों ने 100% स्कोर किया है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 200% स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा 4-4 टॉपर्स निकले हैं। रसोई गैस कनेक्शन लेने वालों के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक ऑफर निकाला है, जिसके तहत कंपनी कनेक्शन के ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा प्रदान कर रही है। यानी कि यदि आपने परिवार के पास पहले से ही कोई भी गैस कनेक्शन हो, तो आप उसके आधार पर दूसरा कनेक्शन आसानी से ले सकते हैं। भारत को वैक्सीन पहुंचाने में हो रही देरी पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि भारत को टीका पहुंचाने में देरी हमारी वजह से नहीं हो रही है, बल्कि नियामकीय मुद्दे के कारण हो रही है, जिन्हें प्रत्येक देश के मुताबिक सुलझाना होगा। 1250 mAh बैटरी के साथ हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन सामने आया है, जिसकी बाजार में कीमत 8000 से भी कम बताई गई है। चीनी स्मार्टफोन कंपनी मोनी ने अपना एक नया और हल्का स्मार्टफोन मोनीमेंट लॉन्च कर दिया है, जो कि 4G है।
जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारी चल रही है। यहाँ श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर को तिरंगे के रंग से रोशनी में सजाया गया है। बता दें कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत तमाम राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से यहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि उत्तर भारत में शुक्रवार को उमस भरा मौसम रहा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद बांधों से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। HDFC के ग्राहकों को वीकेंड पर कुछ दिक्कत हो सकती है। बैंक के अनुसार उसकी कुछ सेवाएं शनिवार शाम से रविवार सुबह 10 बजे तक बंद रहेगी। बैंक अपने ग्राहकों को और जानकारी ईमेल के जरिए भी भेज रहा है। शनिवार को भारत में 38,628 नए कोरोना वायरस मामले एक दिन में दर्ज हुए हैं। इसमें संक्रमण की संख्या 3,18,95,385 पर पहुंच गई है। वहीं एक दिन में 617 लोगों की जान चली गई है। इस तरह से जान गंवाने वालों की संख्या 4,27,371 पर पहुंच गई। शीर्ष भारत वंशी अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अमेरिका ने भारत को कोविड-19 रोधी टीके के सिर्फ 75 लाख खुराक आवंटित की है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन से इस संबंध में और किए जाने का अनुरोध किया है। अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में राज कुंद्रा को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा और उनके साथी रियान थॉर्पे की न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ने ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने की परियोजना को बंद कर दिया है, क्योंकि यह लागत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी। सरकार ने संसद में इसकी पुष्टि की है। अब BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए छात्रों को नीट 2021 परीक्षा में बैठना होगा। दरअसल BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए NEET स्कोर को अनिवार्य बना दिया गया है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स और BSc नर्सिंग में दाखिले के आवेदन आमंत्रित किए हैं। श्रीनगर के बटमालू बाजार में फुटपाथ पर जूते चप्पलों की दुकान में सोनू सूद जा पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि जो भी कोई ग्राहक शमी खान की इस दुकान से जूते चप्पल खरीदेगा, उसे 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बस उसे दुकान पर एक्टर का नाम बताना होगा। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टिकट किराए में कुछ श्रेणियों के लोगों को दी जाने वाली छूट या रियायतों को बहाल करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। कोविड के कारण रियायत वापस ले सकते हैं। ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग की तारीख की घोषणा कर दी थी, जिसके साथ ही एक और स्कूटर की लॉन्चिंग होने जा रही है, जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को कड़ी टक्कर दे सकता है। दरअसल बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप सिंपल एनर्जी भी अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 के खिलाफ सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। भारत में मंजूरी पाने वाली यह 5वीं वैक्सीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत सरकार भारत में संपूर्ण वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।